जब महिलाएं लिखती तो अब पता नहीं उनका बोलना ज्यादा खतरनाक होता है या उनका लिखना ज्यादा खतरनाक होता है। लिखना ज्यादा खतरनाक होता है, हमारी बेबी हालदार ने कहा। हमारे साथ में आप बेबी हालदार हैं और आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। मैं बंगाली हूँ बट मेरा ज़्यादातर बोलना 20 साल हो गया मैं हिंदी में ज़्यादा बोलती क्योंकि मेरा दिल्ली में रहा हुआ इतना साल 20 साल तक मेरा बच्चे वहीं पे पला बड़ा पढ़ा लिखा सब वहीं पे हुआ। फिर भी मतलब हिंदी साफ नहीं है, उसका कारण एक है जो मैं बंगाली हूँ, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफी सॉरी। मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, मैं क्या थी और अभी क्या हूँ। मेरा बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल। मेरा बचपन थोड़ा सा ही था बट उसी को ही मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उतना सा ही बचपन मेरा नहीं होता तो आज मैं इतना बड़ा नहीं होती। बचपन मेरा 13 साल तक ही था, 13 साल में मेरा 13 साल पूरा भी नहीं हुआ जो मेरा शादी हो गया था। मेरा माँ अपना नहीं थी, माँ की बातों पे मेरा पापा आ गया था। बहुत मुश्किल से बचपन गुजरा, मेरा बहुत ही छोटी थी तब मेरा माँ घर छोड़ कर चले गए। मेरा पापा का आदत ठीक नहीं थी, नौकरी तो करती थी, मेरे पापा आर्मी में थे, वो चाहते थे तो बहुत कुछ बहुत अच्छे तरह से अपने परिवार को रख सकते थे, बच्चे को बहुत अच्छा शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उनका दिमाग उसी तरह का था। मेरा पापा असल में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पहले ज़माने में आप लोगों को पता होगा आर्मी में लोग लेते थे, पढ़ा लिखा देख के नहीं लेते थे, शरीर देख के अपना हौसला देख के लेते थे। तो मेरा पापा, मेरा बड़े पापा दोनों खेत में काम कर रहे थे तो उसी समय रोड से मिलिट्री गाड़ी गुजर रहे थे तो वहीं से मेरा पापा को देख के गाड़ी में चढ़ा लिया, चलो तुम मिलिट्री में काम करोगे। तो मेरा बड़े पापा तो एकदम बहुत रोने जैसा हो गया, क्या हो गया, मेरा भाई को ले गया, मेरा डाना हाथ चला गया। इसी तरह से मेरा पापा को, एक बड़े पापा को बहुत दुख हुआ। उसी तरह का मेरा पापा का पापा मेरा आर्मी में गए, उसके बाद आते थे घर आते थे जैसे तैसे, मेरा तब मेरा पापा का शादी हुआ। शादी होने के बाद मेरा पापा आना जाना करते थे वैसा ही, फिर हम 5 भाई-बहन जन्म लिए एक एक करके। मेरा पापा का मिलिट्री में जाके आदत बुरा हो गया था शराब, और सच बात तो ये है थोड़ा औरत की तरफ भी नशा था। उसी तरह मेरा मम्मी की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते थे। मेरा पापा आते थे घर चले जाते थे थोड़ी दिन रह के, तो किसी महीने पैसे भेजते थे किसी महीने नहीं भेजते थे, इसी तरह तन्नी लगाए रहता था। मेरा माँ बहुत तकलीफ में रहते थे, जब मेरा पापा घर आते थे तब उतना अच्छा से ध्यान नहीं देते थे। तो जब रिटायर होके आ गए तब भी मेरा मम्मी को लगा, मेरा मम्मी को सब कुछ पता था मेरा पापा का आदत क्या है। तो जब मेरा पापा रिटायर होके घर आया तब मेरी मम्मी को ऐसा लगा अब जो भी कुछ करेंगे मेरे सामने ही करेंगे। मेरा मम्मी बहुत कुछ सहा,
तो उसी सोच में मेरा माँ कभी रिटायर होके आने के बाद एक दो दिन थोड़ा आनाकानी हुआ था मेरा मम्मी के साथ. उसके बाद मेरा माँ सोचा अब जो करेंगे मेरे सामने ही करेंगे और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कैसे लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो मेरा छोटा भाई दूध पीते थे, मेरा छोटा भाई को लेके मेरे मम्मी घर से निकल गए. कहाँ गए, बहुत ढूंढा. मेरे पापा हमें कहते थे मेरे तुम्हारे मम्मी को बहुत ढूंढा, नहीं मिला. तो उसी बीच में मेरा पापा का एक के बाद तीन दो और शादी हो गया था. मेरा पापा यही कह के जो बच्चों को कौन पालेगा, यही कह के दूसरे पहले जब शादी किया था मेरा पापा हमें लेकर, वो माँ थोड़ा सा दूसरी तरह के थे, जो घर में काम नहीं करते थे, अपने उसमें रहते थे. तो मेरा पापा अपने उनके मायके छोड़ आए, कभी खबर तक नहीं लिया, कभी लेने लेके आने का कभी मतलब सोचा भी नहीं. उसके बाद मेरा पापा का एक बार और दुर्गापुर सिटी में दूसरा काम मिला. तो उसी बीच में मेरा पापा चले गए. वहाँ पे जाके हमें छोड़ आए थे मेरा बड़े पापा के पास. वहाँ पे मेरा पापा जाके वो नौकरी करते थे, नौकरी के उस बीच में एक शादी किया. तो उस वो माँ प्यार कैसे थे, क्या मिला, जितना दिन, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना दिन जैसा भी प्यार किया, लेकिन उनका सोच और भी थोड़ा दूसरे तरह के थे. बोला बच्चों को ले आओ, बच्चे को ले आ रहे. मैं और मेरा भाई थे, मेरा बड़े भाई मेरा बुआ के पास चले गए थे. उसके पहले मेरा दीदी को शादी दे दिया था. उसके बाद मेरा वो माँ ऐसा हो गया मुझे देखकर, जो अपने घर का काम सब कुछ मुझे ही देके कराते थे. मेरा पढ़ाई उसी बीच में छोड़ गया, उसी कारण, घर के कामों के कारण. मेरा पढ़ने का बहुत इच्छा था, पढ़ने बैठती थी किताब लेके, मम्मी पापा का मूड एकदम ही दूसरे तरह का हो जाता था, हमें अच्छा नहीं लगता था. दोनों के बीच में फुसफुसा चलता था और फिर बीच बीच में मेरे ऊपर गुस्सा भी आता था. मैं समझ जाती थी तो किताब छोड़कर काम पे लगते थे, तो मुझे पता चलता था इनको यही इच्छा है जो मैं पढ़ाई ना करूँ, घर का काम ही मैं उनका जो भी कुछ हो चाहे वही करूँ. फिर उसी तरह का थोड़ी दिन में मेरा माँ जो भी बोला वही मेरा पापा सुना, जो उसको शादी दे दिया जाए. तो कम उम्र में मेरा 13 साल पूरा भी नहीं हुआ था, एक दिन अचानक बहुत घर में मार्केटिंग करके लाए हैं पापा मम्मी. तो मुझे लगा ऐसा किया जो मैं घर पे जैसा बहुत त्यौहार होता है, पार्टी शार्टी होते हैं, वैसा ही होना, जो घर पे पूजा पाठ भी होता है, मेहमान आते, इतने बड़े बड़े खाना बन रहा, कल चूल्हा बना रहा, इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना बन रहा. तो मुझे लगा कोई उत्सव होगा. तो मैं बाहर बच्चे के साथ खेल रही थी, तो उसी बीच में से उठा के मुझे शादी का पीड़ा में बैठाया, मतलब छोटी सी बेबी, उसको पता ही नहीं है जो उसके साथ क्या हो रहा. वो बहुत हंस रही, खिल रही है, उसको बहुत खुशी हो रही है, मतलब उसको नहला रही है, उसको वो जो शादी से पहले हल्दी जो लगाया जाता है, तो भी उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा जो क्या हो रहा उसके साथ. बहुत खुशी से वो उस टाइम बिता रहा. फिर जब शादी आदि हो गया, एक कमरे में दोनों को सुहागरात जी से बोलते हैं, एक कमरे में एक आदमी, अनजान आदमी, और उस बेबी से मतलब दुगना ज़्यादा उम्र है, जान ना पहचान, उसके साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता है. तो मुझे लगा उस समय क्या
उस छोटी सी बेबी को क्या लगेगा, डर रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उस रात तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, जैसा बीत गया हो गया। फिर दूसरे दिन जब वो दूसरे घर में गया, उस घर में कोई नहीं है, एक जवान एक आदमी के साथ वो छोटी सी बेबी, उसको कैसा लगती है? जो रात होता है और उसको रोना पड़ता है, उसके साथ जोर जुलूम होता है, रात को बहुत चिल्लाती है, रोती है, आसपास के लोग आके पूछते रहती है, दरवाजा खटखटाते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता था। जैसा ही शाम होता है और शाम होते ही वो रोने लगती थी और मायके चले जाती थी, फिर मामी माँ समझा बुझा के दे जाती थी। मतलब इसी तरह से मेरा बड़े बेटा मेरा पेट में आए। उसके बाद उतनी सी उम्र में, जब 14 साल भी पूरा नहीं हुआ, वो डिलीवरी हो गई। और उस बीच में वो तभी वो दूसरे बच्चे के साथ खेलने जाती है, खेलने भागती है घर से बाहर। एक जो शायद मेरे किताब पढ़े हैं उनको पता होगा, ये सब चीज उनको मिला होगा, जो बच्चे खेल रही है बाहर, वो डांग गुली बोलते हैं, छोटा सा एक डंडा रहता है, एक बड़ा डंडा रहता है, गुली डंडा जिसको बोलते हैं। तो एक टाइम वो बेबी बाहर खड़ी है या बच्चे दूर खेल रही है, खेल रहे हैं, तो ये उसका जो छोटा वाला गोली जो है वो पैर के नीचे आ जाते हैं, और वो उठा के वो सोच रही है मैं खेलने जाऊं, हंस रही है। और वो सोचते सोचते वो लेके जाती है खेलने, फिर उसको देख के तब उस लड़की की मतलब बेबी की पेट में मतलब 7-8 महीने का हो गया गर्भवती, तो वही उतनी बड़ी पेट लेके बच्चे के साथ खेल रही है। तो आसपास का औरत सारे देख के बोले, अरे बहू क्या कर रहे हो, वो पेट में लग जाएगा, बच्चे है, बच्चे को चोट पहुंचेगा, ऐसा वैसा सुन के उसको शर्म आता है, तो वो दौड़ के अंदर हो जाती है। तो इसी तरह से वो बड़े बेटे को जन्म दिया। उसके घर में भी बहुत वही मतलब शांति नहीं मिला, अशांति जिस जो चीज मिला है अशांति ही मिला। तो जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तब मुझे लगा मेरे साथ जो हुआ है मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। तभी से मैं सोचने लगी मैं अनपढ़ भी नहीं रखूंगी बच्चों को, और मैं अच्छे समाज देना चाहती हूँ, अच्छे शिक्षा देना चाहती हूँ। तभी से मुझे थोड़ा सोचने ऐसा दिमाग में आया बच्चे के तरफ देख के। तो उस बीच में वैसा ही तभी से मैं अपने हस्बैंड से बातचीत करने लगती थी, क्या जो अपने खुद को बदलो थोड़ा, और फिर आसपास का माहौल कैसा है देख रहे हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसको भी दोस्त चाहिए, सब यहाँ पे देख रहे हो बच्चे कैसे है, उसके माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं, हाँ थोड़ा सा बड़ा होता है कहीं चाय के दुकान पे कहीं होटल में लगा देते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं है यहाँ का लोग, तो हमें क्या, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, थोड़ा जगह बदलो, खुद को बदलो, यही सब हम बातचीत करते थे अपने हस्बैंड से। तो वो बहुत गुस्सा करते थे, वो कहते थे नहीं हम अच्छा है तो दुनिया अच्छा है। मैं उनकी बात मानती थी, लेकिन तुम अपने एक बच्चे को अच्छे शिक्षा कैसे दे सकते हो, तुम यहाँ पे देख रहे हो हजारों बच्चे एक ही रास्ते पे चल रहा, तुम कैसे अपने बच्चे को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो। तो इसी तरह का ऐसा ही बातचीत पे, इसी तरह का बात इस बातों पे हमारे घर पे मार पिटाई लड़ाई झगड़ा काफी हो जाता था। तो मुझे लगा मैं तभी से मुझे लगा कि बच्चे को अगर सही शिक्षा देना है, स्कूल में देना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसे की भी जरूरत है। तो तभी से मैं सोचा मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं क्या काम कर सकती हूँ। तो तभी से मैं इधर आसपास के लोगों से औरतों से बात करती थी, तो वहाँ पे कुछ औरतें लोगों के घर में काम करते थे, तो उनके साथ मैं भी उसी तरह का बात करती थी मैं भी कुछ करूँ। तो वही औरत बोला चलो हम करते हैं जो लोगों का घर में काम, तो तुम भी कर सकते हो, ये तो काम ही है।
काम कोई भी काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। तो मैं सोचती थी तब जो मैं ये ऐसा मैंट्रीमैन की बेटी हूँ, मेरा पापा को हलदर जी हलदर बाबू करके सब जानते हैं और सुनेंगे वो लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन वो औरत मुझे यही कह के हौसला दिया, अगर पापा के नाम रखना चाहेगी तो इस घर में क्यों देता।